हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू ऑनलाइन स्पेस ऑफ युधराज एकेडमी। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट 8th क्लास एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। इसमें हम बात करेंगे इरिगेशन की। सो व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन जैसे कि आप प्लांट्स में पानी डालते हो, ऐसे ही जब हम क्रॉप्स को उगाते हैं, क्रॉप्स यानी कि जो फसलें होती हैं बड़ी सी फील्ड में, जब हम उनको पानी देते हैं तो उसको कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन के कई सारे मेथड्स होते हैं। इरिगेशन क्या होता है? वाटर एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड, जैसे बीज जो होते हैं उनको जब हम मिट्टी में डालते हैं, सोइंग करते हैं, तो उनको पानी की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि टाइम टू टाइम जो क्रॉप होती है, फसल होती है, उसको पानी देना, उसको हम कहते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इरिगेशन कहते हैं उसे। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। यानी हर एक तरीके की जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उनको पानी की जो जरूरत है वो अलग अलग होती है। तो सीजन जो हमारे इंडिया है उसमें क्रॉप्स को डिवाइड किया गया रावी और खरीफ में। तो पानी की सप्लाई जो है क्रॉप्स को कैसे दी जाती है? जिस तरीके की क्रॉप होगी उसी के अकॉर्डिंग पानी दिया जाएगा। यानी जिन फसलों को पानी की जरूरत ज्यादा होती है उनको पानी ज्यादा दिया जाता है, जिनको कम होती है उनको कम दिया जाता है। तो क्रॉप्स को भी सीजन के अकॉर्डिंग ही उगाया जाता है। सीजन यानी रेनी सीजन में उन क्रॉप्स को उगाया जाता है जिनको पानी की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली पार्ट जो इंडिया का है वो इरिगेशन के लिए अभी भी बारिश पर यानी कि मॉनसून पर डिपेंडेंट है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन यानी कि पानी किस तरीके से क्रॉप्स को दिया जाए, तो क्या क्या सोर्सेज होते हैं, यानी कि आपके घरों में पानी के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं? आप पानी, आपके घर में पानी ट्यूबवेल से आता है, यानी टैप वाटर को आप यूज करते हो पीने के लिए, फ्रेश वाटर आता है। कहीं कहीं पर नल लगे होते हैं, कहीं पर ट्यूबवेल्स होते हैं। तो ऐसे ही जो इरिगेशन यानी फसलों को जो पानी दिया जाता है उसके भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे कि पहला सोर्स है वेल्स यानी कि कुएं, दूसरा ट्यूब वेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, पॉन्ड्स, तालाब, लेक, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिनसे, ये सोर्सेज है इरिगेशन से जिनमें फसलों में पानी दिया जाता है। ओके, तो पहले तो यहाँ पर जो यानी पुराना जमाना था, जो पहले गांव वगैरह होते थे वहां पर इतने सोर्सेज नहीं होते थे, तो वहां पर ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज किया जाता था। ट्रेडिशनल यानी पुराने समय में जो इरिगेशन के लिए मेथड्स यूज किए जाते थे। तो पहला मेथड है इनमें, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स यानी कि जो कुएं होते थे उनमें इस तरीके से जैसे पिक्चर दिखा रखा है, इसमें से पानी निकाल के और फसलों को दिया जाता था। तो पहले हर खेत में कुआं हुआ करता था। कैटल और ह्यूमन विंग्स लेबर यानी कि जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है। कुआं तो अपनी जगह पे ही रहेगा पर पानी को पूरी फील्ड में देना है, तो इंसानों को और जो कैटल्स जानवर होते थे उनको एज ए लेबर यूज किया जाता था पानी को पूरे खेत में देने के लिए। ओके, तो वेरियस ट्रेडिशनल मेथड, कौन कौन से ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? मोट यानी पुले सिस्टम, पानी को निकालना कुएं में से खींचना, चेन पंप, ये इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ है चेन पंप, ये पानी निकालता जा रहा है और ऐसे एक चेन बना दी जहां से पानी पूरे खेत में जा रहा है। दूसरा ढेकली होता था, यहां से पानी निकाल रहे हैं इस नाली के थ्रू। ये ढेकली यानी कि ये पत्थर इसमें बांध दिया, यहाँ पर बाल्टी बांध दी है, पत्थर को निकालेंगे बाल्टी नीचे जाएगी और पत्थर को बांध देंगे तो ये बाल्टी अपने आप ऊपर आ जाएगी। ठीक, ढेकली, रेहात, रेहात में ये बैल होता है जिसको यहाँ पर बांधा जाता है और ये पानी यहाँ से निकलता रहता है, घूमता रहता है कुएं से। ठीक है, तो पंप्स आर कॉमनली यूज्ड लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके टाइम में जो पंप्स होते हैं वो कैसे चलते हैं? पानी निकालने के लिए डीजल उनमें डाला जाता है, बायोगैस यूज करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करी जाती है और सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप्स। जो मॉडर्न मेथड है यानी कि आज के टाइम में जो चीजें यूज की जाती हैं उनको मॉडर्न मेथड कहते हैं, यानी कि अब तो जो पुरानी चीजें हैं लगभग मोस्टली जगहों पर खत्म ही हो चुकी हैं, तो मॉडर्न मेथड्स को यूज किया जाता है जिससे टाइम की बचत होती है और जो पौधे होते हैं यानी जो क्रॉप्स होती हैं उसको भी इक्वल यानी कि पूरा सीक्वेंस में पानी मिलता है बराबरी से, कहीं पर ज्यादा नहीं कहीं पर कम नहीं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड
आर एज फॉलो। पहला मेथड कौन सा? स्प्रिंकलर सिस्टम। ये आपने कई जगह देखा होगा, इसमें स्प्रिंकलर बीच में लगा देते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर ये स्प्रिंकलर यानी छिड़काव करने वाला बना हुआ है। यहाँ वेल से पंप के थ्रू पानी जा रहा है हर एक प्लांट के पास और यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हुआ और उसी पेड़ पर ही पानी जाएगा जहां पर ये स्प्रिंग करेगा। ड्रिप सिस्टम होता है, जैसे कि ड्रिप होती है लगाई जाती है पेशेंट्स के, लगाई जाती है ड्रिप यानी वेन्स में जाता है, ऐसे ही जो ड्रिप सिस्टम है उसमें क्या होता है, ये यहाँ पर दे रखा है पाइप के थ्रू, यहाँ पर जहां पर इनकी रूट्स होती है यहाँ पर पाइप के थ्रू छोटे छोटे पाइप्स इन प्लांट्स की रूट में लगा दिए जाते हैं और जो पानी है वो सिर्फ इसी पेड़ को मिलेगा, यानी इसमें पानी की वेस्टेज बहुत ही कम होती है। ज्यादातर इसको गुजरात राजस्थान वगैरह में यूज किया जाता है, वहां पर वैसे ही पानी की कमी होती है। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि वाटर की वेस्टेज बहुत कम होती है और पेड़ को भी जिसको पानी चाहिए उसको अपने पूरी मात्रा में पानी मिल जाता है। अगला है वीड्स, वीड्स प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब क्या होता है कि जैसे आपने क्रॉप उगाई पूरे फील्ड में उगाई है तो जो पेड़ आप चाहते हो वो तो उग रहा है, पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको हम अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं यानी जो हमें नहीं चाहिए वो भी उग जाते हैं, ठीक है। तो वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स जो नहीं चाहिए, तो अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स एंड दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। कभी कभी क्या होता है कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, ठीक है, आप स्कूल लेके जाते हो लंच में और आपके जो लंच बॉक्स होता है उसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, फिर आपका ऐसा मन करता है कि आज कोई भी मेरा जो फ्रेंड है ना वो मेरे पास ना आए क्योंकि ये सारा का सारा जो लंच है वो मैंने फिनिश करना है। पर होता क्या है कि कुछ अनवांटेड फ्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक है, खुशबू सूंघ के, और वो क्या चाहते हैं कि आपका जो टिफिन है उसको वो शेयर करें, ठीक है, यानी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो शेयर करें, पर आप तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे यानी कि वो क्या हुए, वीड्स हुए, अनवांटेड फ्रेंड्स, ओके। तो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स वो क्या करते हैं कि जो क्रॉप उगाई है उसके जो नरिशमेंट होते हैं उनको ले लेते हैं, यानी कि जो क्रॉप है उसको अपना पूरी तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिलते हैं इन वीड्स की वजह से, तो इनको रिमूव करना बहुत ही आसान बहुत ही जरूरी होता है। तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी वीड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट, यानी कि इन सारी चीजों को वो ले लेते हैं तो जो प्लांट है उसको अच्छी तरीके से नरिशमेंट नहीं मिलता है। तो फार्मर क्या क्या चीजें अडॉप्ट करते हैं, एक तो कुछ तो टिलिंग यानी कि बीज बोने से पहले कहते हैं क्रॉप हेल्प्स टू अनप्रोटिंग किल्ड ऑफ वीड्स, यानी वीड्स को मारने के लिए कुछ ऐसे छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है जिसको हम वीडीसाइड कहते हैं। वीडीसाइड्स यानी कि ऐसे छिड़काव करेंगे तो वहां पर वीड्स नहीं उगेंगे। कुछ जब वीड्स उग जाते हैं तो उनको हाथों से भी उखाड़ा जाता है यानी कि निकाल दिया जाता है, वो समय समय पे करना पड़ता है, पर वीडीसाइड्स के छिड़काव से वो निकलते ही नहीं है। अगला है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग यानी कि जब फसल आपकी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है तो उसकी कटाई करना, यानी उसको काटने का टाइम आ चुका है, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब क्या होता है कि जमीन से उसको उखाड़ लिया जाता है, यानी क्रॉप जो होती है उसका एक समय होता है, एक टाइम होता है कुछ मंथ्स का जिसमें वो पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाती है, उस टाइम पर उसको हार्वेस्ट कर लेना होता है, यानी समय पर उसको, किसी जो क्रॉप होती है उसका 3 महीने का टाइम होता है, किसी का 4 महीने का, यानी इसमें वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी होती है तो उसको काट लिया जाता है। तो काटा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से इसको काटा जाता है तो प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, थ्रेशिंग कहते हैं। अब यहाँ पर एक मशीन दे रखी है कंबाइन, कंबाइन का मतलब है कि इसमें थ्रेशिंग और जो जैसे सीड है यहाँ पर इसकी कटाई भी, हार्वेस्टिंग भी होती जाएगी, थ्रेशिंग भी होती जाएगी, सीड अलग होता जाएगा साथ के साथ और जो उसका भूसा होता है यानी जो दूसरी चीज छिलका होता है वो भी अलग होता जाएगा, तो इसलिए इस मशीन को कहते हैं कंबाइन, आजकल इसी का ही यूज किया जाता है। तो फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड यानी कि जो छोटे छोटे जगहों पे लोग रहते हैं वो विनोइंग यानी कि ग्रेन और जो भूसा होता है उसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग मशीन का यूज करते हैं। ये विनोइंग मशीन है, इसमें आप ग्रेन्स डालोगे तो एक तरफ ये भूसा निकलेगा और एक तरफ से अनाज निकले यानी सीड्स निकल जाएंगे, पर आजकल कंबाइन का यूज करते हैं, ये पहले के समय में की जाती थी विनोइंग।
हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स क्या होते हैं? हार्वेस्ट जैसे आप बैसाखी मनाते हो, बैसाखी है या संक्रांति है, ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, यानी फसलों की कटाई पर मनाए जाने वाले त्योहार कई जगहों पर मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी, होली, दिवाली, ये सब फसलों के त्योहार हैं। स्टोरेज, अब बहुत ही जरूरी है कि बड़े स्केल पर अगर आपने कोई भी क्रॉप उगाई है तो उसको रखा कहाँ जाए, यानी कि स्टोर कहाँ पे किया जाए, क्योंकि बारिश भी होती है, तूफान भी आते हैं, हवा भी चलती है, धूप भी निकलती है, कई सारे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, चूहे भी होते हैं, तो उनसे उस चीज को कैसे सेव किया जाए। तो स्टोर करने का क्या तरीका है? द प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी स्टोरेज जो है वो ऑफ अ प्रोडक्ट, उसका क्या एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि अब जो भी क्रॉप है वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे आपने उगाई है तो उसको लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा, तो उनको सेफ रखना पड़ेगा मॉइस्चर यानी कि नमी से, जिससे उसमें फंगस ना लगे, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों से, रेट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, तो पहले उनको सुखाना पड़ता है, क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस हुई है तो पहले शुरू शुरू में जो भी आपने फसल को काटा है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें वाटर तो होगा यानी कि मॉइस्चर होगा, तो इसलिए उनको पहले धूप में सुखाना होता है उसको स्टोर करने से पहले, जिससे कि उसका जो सीड है वो खराब ना हो। तो स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, कभी भी सीड को, हार्वेस्ट को स्टोर नहीं किया जाता है पहले, सुखाने के पहले, ठीक है। तो मे गेट स्पॉइल्ड एंड अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, अगर उसमें नमी रह जाएगी तो ऑर्गेनिजम्स उस पर बहुत ही जल्दी अटैक कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है आगे के जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट, फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जो फूड होता है, सुना होगा आपने, उसको हम फूडर कहते हैं, फूडर क्रॉप, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स, तो ये आपको देखो स्टोरेज जैसे गोदाम होते हैं, ऐसे बोरियां सी रखी होती हैं इनमें, तो उसको सुखाने के बाद यानी ग्रेन जो अनाज होता है उसको सुखाने के बाद इस तरीके के स्टॉक्स में रखा जाता है, यानी बोरों में रखा जाता है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अच्छा, सिलोस स्टोर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये ऐसे करके सिलोस भी बनाए जाते हैं, देखिए इतने बड़े बड़े से ये टैंकर हैं एल्यूमिनियम के, जिनमें ग्रेन्स को रखा जाता है, इनसे बारिश से, नमी से, हर चीज से प्रोटेक्ट रहता है। सिलोस एंड ग्रेनरीज, ग्रेनरीज होती हैं, ग्रेन मतलब अनाज, ग्रेनरीज मतलब जिनमें अनाज को प्रोटेक्शन में रखा जाता है, एंड देम द पेस्ट लाइक रैट्स, इंसेक्ट, इनसे बचा के रखते हैं। कुछ जैसे आप घरों में छोटे मोटे स्तर पर अगर गेहूं को स्टोर करते हो या अपने घरों में चावल को स्टोर करते हो तो हम उसमें नीम ऐड कर देते हैं, ड्राई यानी सूखी पत्तियां जो नीम की होती हैं उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो कीड़े मकौड़ों को दूर रखती है। तो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, अगर घर पे हम उसको स्टोर करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन द बिग गोदाम, अगर गोदाम में यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उससे दूर रखें। ओके, फूड फॉर एनिमल्स, आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस टेबल, ये जो टेबल यहाँ पर छोटी सी आपको दी है, तो मिल्क आपको किस किस से मिलता है, काउ से, बफलो से, शी गोट से और शी कैमल से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ फूड का नेम लिखना है और सोर्सेज यानी कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे आपको ये चीजें प्रोवाइड होती हैं, टेबल कंप्लीट करनी है आपने। ओके, मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं बच्चों? कोस्टल एरियाज वो होते हैं जहां पर समुद्र होते हैं, समुद्री किनारों को कोस्टल एरियाज कहते हैं, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ये सब कोस्टल एरियाज हैं। कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट, अब जैसे मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो फूड का सोर्स है क्रॉप्स यानी फसलें उगाई जाती हैं, पर जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं यानी कि समुद्री जगहों पर, वहां पे उनका जो क्रॉप यानी जो प्रोडक्शन होती है वो मेन होती है फिशिंग, यानी कि मछलियों को पकड़ के बेचना। अपने मछुआरों का नाम तो सुना ही होगा, मछलियों को यानी उनका जो डेली रूटीन है, जो डेली बेसिस उनका काम है, वो मछलियों को पकड़ के लाते हैं और उसको बेचते हैं, उसी से ही उनका घर चलता है। एनिमल हस्बेंड्री आपने सुना होगा, एनिमल हस्बेंड्री होती है जिसमें बड़े स्केल पे जो क्या कहते हैं एनिमल्स होते हैं उनकी देखभाल की जाती है, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ओके, तो मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट। प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, अब हमने पहले पढ़ा था कि हमें जो फूड है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो प्लांट्स और जो एनिमल्स यानी जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कार्निवोरस, हर्बीवोरस, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं।
तो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा है उसमें सबसे पहले क्या था, सीड की सिलेक्शन की जाती है, सोइंग बीज बोया जाता है। ओके, तो सिमिलर एनिमल्स रियर्ड, बिल्कुल ऐसे ही जो कुछ एनिमल्स होते हैं रियर्ड यानी उनको पाला जाता है एट होम, घरों में, फार्म्स में भी, एंड हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड शेल्टर और केयर, उनको केयर दी जाती है जिससे कि बहुत ही बड़े स्तर पे जो भी फिशिंग है या दूध है वो बहुत ही अच्छा प्रोवाइड हो, इसलिए उनकी जो स्पेसिफिक जो ब्रीड होती है उनको एनिमल हस्बेंड्री में रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पिछली वीडियोज अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो उनको प्लीज देख लें। ओके, देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।